जितने लोग की MCACET की प्रिपरेशन हो गई है या पार्शली स्टार्ट हुई किया है, अपने प्रिपरेशन पार्शली हुई है प्रिपरेशन या जस्ट स्टार्ट किया है, ये वीडियो के बाद आपका 100% कैसे लेके आना है MCACET के एग्जाम में आई विल बी डिस्कसिंग। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, डू वॉच दिस वीडियो वेरी केयरफुली। कल मेरा सेशन था दादा सेंटर, टुडे माय सेशन इज एट बोरीवली सेंटर। मैं सब जगह पे रामबाड़ इलाज दे रहा हूँ कि भाई कैसे आराम से MCACET के एग्जाम में आप अच्छा स्कोर लेके आके VGTI में, SPIT या जो भी MCA कॉलेज, टॉप MCA कॉलेज में एडमिशन आप चाह रहे हो डेफिनेटली मिलेगा। ठीक है, सबसे पहले तो ये काम करो कि डर अंदर से ख़त्म करो, है ना यार, मेरा मॉक लिखूंगा तो स्कोर कम आएगा, बाद में लिखूंगा, पूरी पढ़ाई तो हुई नहीं है तो फिर लास्ट में मॉक लिखूंगा, या तो मॉक लिखने के बाद मेरा स्कोर आता तो मैं डीमोटिवेट हो जाता हूँ, ये सब चीज़ें आपको हटानी पड़ेगी और करना ही पड़ेगा। ठीक है, और पूरी पढ़ाई हो गई है फिर मैं मॉक लिखूंगा, ये पाप नहीं करना अपने को। अलॉन्ग विथ योर प्रिपरेशन डू कीप ऑन राइटिंग दी मॉक टेस्ट ऑल्सो, ज़्यादा नहीं, ये वीक में कल संडे एक मॉक लिखो, इसके बाद वाले वीक में दो मॉक, है ना, उसके बाद वाले वीक में तीन मॉक लिख करके बाकी मॉक खत्म करो। 25-26 को अपना एग्जाम है, बट हाई चांस है कि एग्जाम एक्सटेंड हो 10 दिन से, एक हफ्ता 10 दिन से, ज़्यादा नहीं। ठीक है, तो सर तो आपने तो बोला था डेट एक्सटेंड होगी, तो डिस्क्लेमर ले लो, डोंट रिलाई ऑन माई वर्ड्स। ठीक है, अगर डेट एक्सटेंड हुई तो वो बोनस डेज होगा अपने लिए पढ़ाई को लेकर, तो डेट अभी 25-26 ही पकड़ के चलते हैं। ठीक है, सेक्शन बाय सेक्शन आई विल बी डिस्कसिंग कौन सा टॉपिक आपको छोड़ देना है और किस टॉपिक पे आपको काम करना है, वो भी मैं डिस्कस करूंगा। मतलब आप छोड़ दोगे तो भी फर्क नहीं पड़ता, आपका स्कोर फिर भी डिसेंट लेवल का आएगा। ओके, अपने को लाना कितना है, 130 से 140 के आसपास आउट ऑफ 200, ये स्कोर मतलब 100% बनने वाला आपका, यार 99.9x में परसेंटाइल डेफिनेटली आपका जाएगा। ओके, सो ये वीडियो बहुत ध्यान से देखो और शेयर कर दो आपके सारे फ्रेंड लोग को, जितने लोग NCACET के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं एंड दे आर ऑल्सो स्ट्रगलिंग विद दी सेम प्रॉब्लम। सो वेरी फर्स्ट लेट्स अंडरस्टैंड द पैटर्न। ठीक है, 100 क्वेश्चन है, 90 मिनट्स का टाइम है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है, 100 क्वेश्चन आपके 90 मिनट्स में डिफिकल्ट है, मतलब बेर मिनिमम 10 मैक्सिमम 15, इतने क्वेश्चन आप जितनी मर्जी लगा लो छूटने वाले आपके, छूटने वाले आई मीन टू से यहाँ पे आपको तुक्का मटका मारना ही पड़ेगा। ठीक है, तो मैं आपको बोलता हूँ भाई चल 10 क्वेश्चन भी तू अगर छोड़ रहा है तो 90 मिनट के अंदर अपन 90 क्वेश्चन कर सकते हैं क्या, पर क्वेश्चन 1 मिनट पॉसिबल है ये। 10 क्वेश्चन अपन अभी भी समझ के चल रहे कि 1/4 प्रोबेबिलिटी के हिसाब से मैंने तुक्का भी मारा, 2 से 3 क्वेश्चन राइट हो रहे हैं, यस, तो यही माइंडसेट से मैं आगे बढ़ने वाला हूँ। मैं बहुत एवरेज स्टूडेंट हूँ, तो जितने लोग ये समझते हैं कि हाँ मैं एवरेज या थोड़ा सा आजू बाजू एवरेज के हूँ, तो ये आपके लिए बिल्कुल सही वीडियो है। एंड इफ यू थिंक यू आर प्रो इन ऑल द सेक्शन तो फिर आप फोड़ोगे, ठीक है, फिर तो टेंशन नहीं है ही नहीं। ठीक है, मैथ्स को लेके काफ़ी लोग का क्रिबलिंग है तो वो भी अपन डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, बट पैटर्न तो क्लियर है ना, बाकी तो अपने को 30 क्वेश्चन मैथ्स के हैं, 30 लॉजिक, 20 इंग्लिश एंड 20 कंप्यूटर, 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स के लिए इंटू टू। ठीक है, निगेटिव मार्किंग नहीं है, आई रिपीट, निगेटिव मार्किंग नहीं है तो लोड नहीं लेना अपने को। सो जो सबसे पहले तो मेक श्योर कि आपकी प्रिपरेशन अच्छे से हो रही हो, 8-10 घंटे आप पढ़ाई के लिए दे रहे हो, जो आपका MCACET का टर्बो वाला जो प्रोग्राम है उसके अंदर जितने वीडियो दिए हैं, हैंडआउट्स दिए हैं, मॉक 10 फुल लेंथ मॉक है, इसके अलावा टॉपिक टेस्ट का एक्सेस और आपके पास स्टडी मटेरियल, ये तीन चीज़ ले लो। ठीक है, अगर ये नहीं होगा तो फिर रिसोर्सेस नहीं होंगे तो कहाँ से पढ़ोगे। अगर आप मेन्यूअर के ऑलरेडी स्टूडेंट हो क्लासरूम या लाइव, तो जो जो मैं बताने वाला हूँ वो आप फॉलो कर सकते हो। तो जितने लोग का पढ़ाई करके हो गया है मॉक लिखना चालू कर दो, बट अगर मिड वे ऑफ प्रिपरेशन हो या पढ़ाई अभी जस्ट चालू कर रहे हो तो ये कोर्स फुल कोर्स और आपका टेस्ट और आपका ई बुक्स ऑर्डर करते हो तो विद इन वर्किंग 7 डेज आपके घर पे कुरियर हो जाएगी, महाराष्ट्र में तो जल्दी मिल जाएगी। ये सब manuvideo.com/MCEntrance पे, सबका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, डू चेक द डिस्क्रिप्शन गाइस। नाउ लेट्स टॉक अबाउट स्कोर वर्सेस नंबर ऑफ क्वेश्चन यू शुड अटेम्प्ट। ठीक है, अपने पास क्वांट है, क्वांट प्लस एडवांस मैथ्स। ठीक है, अपने पास है लॉजिक, इसके 30 क्वेश्चन, इसके 30 क्वेश्चन और इंग्लिश के 20 क्वेश्चन, उसके बाद कंप्यूटर के 20 क्वेश्चन। चलो कैलकुलेट करते हैं कि कितना स्कोर आएगा, कितना मार्क्स बनना चाहिए। मैं मिनिमम टू मैक्सिमम रेंज लेने वाला हूँ। कंप्यूटर के अंदर अपन मिनिमम 15 ला सकते हैं 20 में से, यार इतना तो लाना पड़ेगा। इंग्लिश में 10 से 15, अगर आप इंग्लिश में अच्छा हो तो 15+ भी आ रहा है तो वेल एंड गुड। मैं ये मिनिमम पकड़ रहा हूँ, 10 मार्क्स मिनिमम, मैक्सिमम 15, यहाँ पे तो 15 पकड़ा है मैंने कंप्यूटर में। लॉजिक में 20 से 25, अगर आप मैन्यूअर के स्टूडेंट हो, अगर आपका 25 मार्क्स नहीं आ रहा है तो भाई मार्केट में किसी को मत बताना मैं मैन्यूअर से हूँ। ठीक है, बिकॉज ऑल काइंड ऑफ टॉपिक, लेक्चर्स, एवरीथिंग विल बी कवर्ड इन योर क्लासरूम एंड लाइव बोथ। अगर आपने वो अटेम्प्ट किया तो 25 मार्क्स कहीं नहीं गया, आपका लॉजिक में आना ही आना है। इतने लेवल पे भी टीच शॉर्टकट, इतने लेवल पे सारे अप्रोच एनालिटिकल को लेके, क्रिटिकल को लेके, तो बनना चाहिए मार्क्स। ठीक है, नहीं बन रहा तो फिर हमने पढ़ाई नहीं की है। ठीक है, उसके बाद क्वांट, क्वांट में सबकी नैया डूबी हुई है, सबकी बैंड बजी पड़ी है, तो क्वांट के अंदर, मैथ्स के अंदर भाई लोड नहीं लेना। 10 से 15 इतना ला सकते हो, 10 से 15 मार्क्स मैं बोल रहा हूँ, इतना मार्क्स लेके आ जाओ।
अगर आपका मैथ्स 15-20 के ऊपर जा रहा है तो वेल एंड गुड, ये मैंने मिनिमम सिचुएशन लिया है, इतना आपको लाना ही पड़ेगा। अगर इतना नहीं ला रहे हो तो मतलब या तो फिर प्रिपरेशन में प्रॉब्लम है, या तो रिसोर्सेज आपको सही नहीं मिला है, टेस्ट वगैरह सही नहीं मिला हुआ है। ठीक है, कैलकुलेट करते हैं। मिनिमम 10 यहाँ पे, यहाँ पे 20, कितना हो गया 30, 30+10 हो गया कितना 40, 40+15 कितना हो गया 55 हो गया। सो अपना ये 55 हो रहा है। ठीक है, नाउ अगर हम इसको थोड़ा सा और बेटर बना पाए, मतलब ये वाला जो पार्ट है इसको हम 15-20 के आसपास अगर कर ले, यहाँ पे 5 मार्क्स, क्योंकि चांसेस है बढ़, क्योंकि यहाँ पे बन सकता है, ऐसा नहीं कि 15 मार्क्स 15 क्वेश्चन राइट नहीं होंगे। ठीक है, तो अपना ये बनेगा 60। देखिए मिनिमम मिनिमम बेंच मार्क इज 60 क्वेश्चन अपने को राइट करने हैं आउट ऑफ 100। 40 मार्क्स को गलत करके भी आ जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस 60 राइट कर। 15 यहाँ पे, 15-20, तो अपन 20 यहाँ पे पकड़ते, मैक्सिमम 20 यहाँ पे, और ये कितना हो गया आपका 40, 20+40 60, और ये 15, 75, मतलब 60 × 2 मिनिमम 120 और 75 × 2 150, है ना। मतलब ये मिनिमम टू मैक्सिमम अपना स्कोर रेंज 120 से लेके 150 के बीच में रैम्बल करेगा, मतलब मिनिमम अपना 120 तो लाना ही है। ठीक है, अगर आपका स्कोर 130 से 140 के बीच में है, मतलब 99+ परसेंटाइल हो, 140 या उसके आसपास है तो प्लस है तो 100 परसेंटाइल, मैं 150 फिर भी ज़्यादा बोल रहा हूँ। ये फिगर देख के, ये कैलकुलेशन देख के समझ में आ रहा है, लग रहा है कि नहीं हो जाएगा, कर पाओगे, आराम से कर पाओगे। हमारे हमारी प्रॉब्लम क्या है कि हम तो एक तो सिलेबस देख के डर जाते हैं, नंबर टू हमें सब कुछ पढ़ना है और सब कुछ अटेम्प्ट करना है, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। और ये थॉट प्रोसेस भी बिल्कुल स्टूपिड है, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, 10 क्वेश्चन तो वैसे भी तुक्का मटका मारना ही पड़ेगा, टाइम नहीं है सीटी में और वापस आने का टाइम नहीं मिलेगा। ठीक है, मेरा कंसर्न इतना है कि तुम 70-80% जो भी पढ़ाई करो वो इतनी कॉन्क्रीट करो, उसमें से जितना भी डेटा आए फोड़ दो। मैं आगे वेटेज भी बताने वाला हूँ, उस टॉपिक पे आपको काम करना है। ठीक है, ये स्कोर लाना 100% पॉसिबल है, अगर आपने कुछ दिन पहले पढ़ाई चालू की है, थोड़ा बहुत पढ़ा है आपने, तो भी आप ये कर सकते हो। ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट द सिलेबस। 30 क्वेश्चन है, आई वॉन्ट अरिथमेटिक अच्छे से आप कर लो। 6 to 8 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे, 6 से 8 क्वेश्चन अरिथमेटिक, ये सारे टॉपिक। उसके बाद आपका ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ट्रिगो एंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसको मैं नहीं छोड़ने को बोलूंगा, बिकॉज यहाँ से भी रफली 10 के आसपास 8 to 10 क्वेश्चन बनेंगे। ट्रिगो से 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से 2 से 3 आएंगे, मेंसुरेशन हो गया आपका, ज्योमेट्री हो गया, तो इसको नहीं छोड़ सकते, ये दो नहीं छोड़ना। ये दो अगर आपने कर लिया तो आप आराम से 15 के आसपास पहुँचोगे, 15 के आसपास 14-15 क्वेश्चन आपके यहाँ से बनेंगे। ठीक है, इसके बाद अगर आपको स्टैटिस्टिक्स, इसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड देन लॉग प्रोग्रेशन, अगर ये 3 टॉपिक देख सकते हो तो अच्छा है। सेट थियरी, सेट फंक्शन, ये जो फंक्शन रिलेशन, इसको छोड़ना है तो छोड़ दो, ये इसको पूरा छोड़ना है तो छोड़ दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ से आएगा 1-2 क्वेश्चन आएंगे, वैसे भी हम तुक्का मटका मारने वाले, 10 क्वेश्चन हम मान के चल रहे हैं, तो लेट्स कंसिडर वो 10 क्वेश्चन में से 5-6 क्वेश्चन आपके मैथ्स के ही है। डिफरेंशियल छोड़ दिया मैंने, फंक्शन छोड़ दिया मैंने सेट थियरी छोड़ दिया मैंने, स्टैटिस्टिक्स का इजी है, मीन मोड मीडियन, तो ये देख लो, बाकी फॉर्मेशन कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी देख लो। ठीक है, तो यहाँ से आपको लॉग, क्वाड्रेटिक एंड आपका प्रोग्रेशन ये करना है आपको, यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन बनेंगे और आपका स्टैटिस्टिक्स हो गया। तो जो छोड़ना है यहाँ से वो डिफरेंशियल पूरा छोड़ सकते हो, फंक्शन छोड़ सकते हो, सेट थियरी छोड़ सकते हो, अगर आपको लग रहा है कि यहाँ कुछ पार्ट ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के मुझे नहीं बन रहा, या किसी टॉपिक के कुछ क्वेश्चन में, किसी टॉपिक के किसी टाइप में प्रॉब्लम है, तो आप स्किप कर सकते हो। ठीक है, बट अरिथमेटिक, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड ट्रिगो यू कैन नॉट स्किप, ये तो करना ही पड़ेगा। तो आराम से अपने को 15 मार्क्स लाना है, 15 से 20, 20 के ऊपर जा रहा है तो वेल एंड गुड। अब मैथ्स तो, मैथ्स जितने लोग का लोड है आपको इतना ही काम करना है मैथ्स में। ठीक है, लॉजिक में कुछ भी नहीं छोड़ना, पूरा ट्रेडिशनल अच्छे से करना है। यहाँ से आपके रफली 12 से 15 क्वेश्चन एग्जाम में बनेंगे। ठीक है, बाकी 10+ क्वेश्चन, 10 to 12 क्वेश्चन प्लस यहाँ से बनेंगे एनालिटिकल से, अरेंजमेंट से, और 2 से 3 क्वेश्चन आपके वर्बल क्रिटिकल से। ठीक है, तो भाई यहाँ पे 25 तो लाना ही है, ये फाइट मारो और लाओगे आपका बनेगा। सारे वीडियो अच्छे से देख डालो 2 बार। ठीक है, मैंने उसके डैशबोर्ड पे जितने भी वीडियोस हैं, प्रैक्टिस कर डालो, बुक नहीं है तो बुक ऑर्डर कर लो, या तो ई बुक का एक्सेस जो करना है करो, बट ये आराम से बनेगा आपका लॉजिक में, क्योंकि स्कोरिंग सेक्शन है ये। MCCT के एग्जाम में लॉजिक इकलौता सेक्शन है जहाँ पे आप फोड़ सकते हो अच्छे से। ठीक है, अगर यहाँ स्कोर नहीं बना तो बाकी के सेक्शन में तो डिफिकल्टी आने वाली है, फिर वहाँ स्कोर के आगे बढ़ाओगे आप। ठीक है,
इंग्लिश में वोकैब करने का टाइम नहीं है, तो आप अभी छोड़ दो इसको। आपके मैनुअल के बुक के अंदर सेक्शन टू ओपन करना, ई बुक्स बुक्स जो भी आपके पास है, नहीं है तो ले लेना, नहीं तो फिर एग्जाम में रोओगे। जितने भी वोकैब का सेक्शन दिया हुआ है, एंटोनियम सिनोनिम्स और उसके बाद आपके फिल इन द ब्लैंक्स वाले बाकी वोकैब के जो टॉपिक है, अच्छे से कर लो, बिकॉज वो सारे वो वोकैब है जो एग्जाम में आ चुके हैं, वेरी हाई चांस कि क्वेश्चन रिपीट होगा उस सेक्शन से। तो एटलीस्ट उतना वोकैब कर लो, और कोई बुक वोकैब के लिए आई वुड नॉट रिकमेंड कि अभी स्टार्ट करो, ठीक है। बाकी डेली का 2 RC प्रैक्टिस, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है। RC के आपके रफली 5 to 6 क्वेश्चन आएंगे, ग्रामर के 5 to 6 क्वेश्चन, और वो कैप के भी 5 to 6 क्वेश्चन आपके, बाकी वर्बल वाला पार्ट 2 से 3 क्वेश्चन, ठीक है। वर्बल 2 से 3, वो कैप 5 से 6, ग्रामर और RC, ठीक है। तो ये रफ ब्रेकअप मैं दे रहा हूँ, तो ये सारे टॉपिक है जो अपने को करना है। 20 में से आराम से आप 15 के आसपास लेके आ सकते हो, अगर वो कैप छोड़ दो, बाकी सब पे अगर काम करोगे तो बन सकता है, ठीक है। तो इसको लेकर के सारे वीडियो 2 बार देख डालो, और मैनुअल के बुक में जो क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन सॉल्व कर डालो, ठीक है। मतलब डिसेंट लेवल पे पढ़ाई हो जाएगी, और आपके और RC को लेके 2 2 RC, मैनुअल की बुक प्लस आपके डैशबोर्ड पे लॉगिन करना, वहाँ पे 500 क्वेश्चन का हैंडआउट है, उसको सॉल्व करो, ठीक है। और RC कोशिश करो कि 5 से 6 मिनट या 4 से 5 मिनट में हो जाए, 300 से 400 वर्ड का RC आएगा, तो RC रीड करना, उसके बाद उसके 4-5 क्वेश्चन सॉल्व भी करना। अगर लेंदी हुआ तो 400-500 वर्ड, इससे ज़्यादा लंबा RC नहीं आएगा। लास्टली कंप्यूटर, कंप्यूटर में 15 क्वेश्चन यार आराम से राइट कर पे आ पाओगे, अगर आपका कंप्यूटर का बैकग्राउंड है तो वेल एंड गुड, अगर बैकग्राउंड नहीं भी है तो 10+ तो आराम से बनेगा। यहाँ पे आपका हैंडआउट्स, आपका वीडियो देख लो एंड मॉक लिख लो अच्छे से, ठीक है। इन एडिशन टू दिस, जो आपने लेक्चर ज्वाइन किया हुआ है उसमें भी सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे, ठीक है। सो एज ऑफ नाउ इफ यू वांट टू ज्वाइन बैचेस, तो लाइव ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि इसमें जो पुराने लेक्चर हुए उसके रिकॉर्डेड मिल जाएंगे। सो दिस इज व्हाट ऑल अबाउट द सेक्शन वाइज प्लानिंग, व्हाट टू लीव, व्हाट टू कैच। हर मॉक की एनालिसिस आपको स्ट्रॉन्ग, ओके, वीक एंड हेट में करनी चाहिए। जो क्वेश्चन आपके 30 सेकंड में सॉल्व हो रहा है वो स्ट्रॉन्ग है, उसको लिस्ट आउट करो। मान लो कि मैंने मॉक 1 लिखा, मॉक 1 में लॉजिक की एनालिसिस की मैंने, तो जो भी टॉपिक मेरे 30 सेकंड के अंदर हो रहा है वो स्ट्रॉन्ग है। जो 1 मिनट के आसपास का टाइम ले रहे हैं वो ओके है, जो मेरे 1 मिनट से ज़्यादा टाइम ले रहे हैं वो वीक है। जो टॉपिक आपको बिल्कुल मन नहीं है सॉल्व करने का, उसको यहाँ पे लिस्ट आउट किया। ये आपका मॉक 1 की एनालिसिस लॉजिक को लेके, ऐसे ही इंग्लिश एंड क्वांट बाकी के सेक्शन को लेके भी करनी है, ठीक है। एक पेपर पे ये जॉट डाउन कर लिया। मॉक 2 लिखा, सेम एनालिसिस। 2 से 3 मॉक के बाद आप पेपर तीनों सामने रखना, आपको क्लियर पिक्चर आएगा कि मुझे करना क्या है, आगे कैसे वर्कआउट करना है। आपको मुझसे या किसी और से पूछने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, ठीक है। बाद में क्या करना है, जितने भी स्ट्रॉन्ग एरिया आपको और बेटर बनाओ, ओके वाले को शिफ्ट करो स्ट्रॉन्ग साइड, वीक वाले को शिफ्ट करो ओके साइड, एंड हेट वाले को शिफ्ट करो वीक साइड, और यहाँ पे कुछ भी नहीं बचना चाहिए। लेट से लॉजिक मैंने डिसाइड किया कि मैं 25 मिनट में सॉल्व करूंगा, तो आपका 10 मिनट राउंड 1 होना चाहिए, राउंड 2 आपका 10 मिनट होना चाहिए, और 5 मिनट राउंड 3। 10 मिनट्स में वो क्वेश्चन करो जो स्ट्रॉन्ग है आपके, फटाफट जाओ सोल्यूशन बन जाएंगे, आंसर आ जाएंगे राउंड 2 जो ओके वाले। एंड राउंड 3 में आप 5 मिनट दो, जो कि वो सेक्शन है जो आपको टाइम लगने वाला था या तो आप वैसे भी छोड़ने वाले थे। तो ये 3 राउंड में, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 में आपको लॉजिक सॉल्व करना है, ऐसे ही बाकी के सेक्शन को भी। अब आपको टाइम डिफाइन करना है, मैं कितना टाइम हर सेक्शन को देने वाला हूँ, वो आप वो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करेगा, ठीक है। सो आई होप ये स्ट्रैटेजी काफ़ी क्लियर होगी कि कैसे आप अच्छे से 120, 130, 140 प्लस का स्कोर, 150 प्लस का स्कोर NCERT के एग्जाम में तो डेफिनेटली ला सकते हो, अगर आपने जो मैंने बताया इसको फॉलो किया तो। ऑर्डर टू ज्वाइन दी MCA टर्बो प्रोग्राम, लॉग ऑन टू ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ मेन्यूअर, बाय ऑनलाइन MCA एंट्रेंस में आ जाओ। यहाँ पे MCA एंट्रेंस है, यहाँ पे फुल कोर्स में जाओ, ये प्रोग्राम की मैं बात कर रहा हूँ। इसके अंदर आपके सारे वीडियो, हैंड आउट्स, मॉक सब मिल जाएंगे आपको, ठीक है, NCERT। बट अगर आप NEMSET के लिए भी टारगेट कर रहे हो तो ये प्रोग्राम आप चेकआउट कर सकते हो, ठीक है, जिसमें NCERT NEMSET दोनों की पढ़ाई हो जाएगी। इसके साथ साथ आपको एक्सेस के लिए ई बुक, जो प्रैक्टिस के लिए आप बुक ले लो, बुक ऑर्डर, अगर आप बुक ऑर्डर करते हो तो विद इन वर्किंग 7 डेज आपके घर पे बुक कुरियर हो जाएगी, ठीक है, या तो फिर सॉफ्ट कॉपी भी ले सकते हो आप। और टॉपिक टेस्ट चाहिए अपने को, तो मॉक टेस्ट में जाओ, टॉपिक टेस्ट। बट अगर आपको बट आपकी पूरी पढ़ाई हो गई है, सिर्फ मॉक लिखना है, तो फुल लेंथ मॉक भी ले सकते हो। इन सब का डायरेक्ट लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। कोई सेक्शन वीक है तो यू कैन चेकआउट द सेक्शनल प्रोग्राम, कंप्यूटर, इंग्लिश, क्रिटिकल रीजनिंग, मैथ्स, लॉजिक, ओके। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो गाइज, वेरी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, 2024-25 के बैचेस वी हैव लॉन्च एट आर ऑल द सेंटर, थाने में भी, दादर में भी, बोरीवली में भी एंड वसई में भी। सो दोज हू वॉन्ट टू ज्वाइन 2024-25 बैचेस, यू कैन विजिट आर सेंटर। बट इफ आर नॉट मुंबई बेस्ड, ऑनलाइन के लिए यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन दिस नंबर 8828581455, ठीक है। ये सारे डिटेल्स है, थाने का भी डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, डू चेक द डिस्क्रिप्शन। एंड NCA एंट्रेंस 2024-25 के वीडियोज आपके मैनुअल MCA एंट्रेंस चैनल पर आ रहे हैं,
तो उसको जाकर सब्सक्राइब कर लो, वहाँ पे आपको MCA स्पेसिफिक वीडियोस मिलेंगे। बाकी सारी इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन में, डू चेक द डिस्क्रिप्शन। ये वीडियो देखने के बाद कितना हेल्प हुआ आपको आपके मॉक के स्कोर में, प्रिपरेशन, वो भी मुझे कमेंट में लिख के बताना। प्रिपेयर वेल, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।